बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां के कोरबा से बीजेपी विधायक बंसीलाल महतो लड़कियों पर टिप्पणी को लेकर मुसीबत में घिर गए हैं। दरअसल अपने सूबे की लड़कियों की तारीफ में उन्होंने वहां के खेल मंत्री के हवाले से एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन वही शब्द उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। चाहे पर्व त्योहार का मौका हो या किसी दूसरी खुशी का, मुंबई और कोलकाता से डांसरों को बुलाकर नचाना छत्तीसगढ़ के रसूखदारों का शगल बन गया है। लेकिन कोरबा से बीजेपी के बुजुर्ग सांसद बंसीलाल महतो की माने तो अब छत्तीसगढ़ वालों को बाहर से इन डांसरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? सुनिए उनका ये बयान कि अब बालाओं की जरूरत मुंबई और कलकत्ता से नहीं है, कोरबा की चुड़ी और छत्तीसगढ़ की लड़कियां टनाटन हो गई है। सुना आपने, सांसद महोदय कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ की लड़कियां भी टनाटन हो गई हैं। दंगल प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये बात राज्य के श्रम और खेल मंत्री भैयालाल रजवाड़े को उद्धृत करते हुए कही, लेकिन उनके इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया है। सूबे की लड़कियों ने भी सांसद से माफी मांगने को कहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बैकुंठपुर में जो मंत्री हैं, वो श्रम मंत्री नहीं है, बेश्रम मंत्री हैं। उटपटांग बातें करते हैं, महिलाओं का उन्होंने हमेशा अपमान ही किया है। पूरे सांसद जी को, पूरी छत्तीसगढ़ की लड़कियों और हर जगह की लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों सिर्फ छत्तीसगढ़ की लड़कियां ही सिर्फ टनाटन है क्या? बाकी जगह की नहीं हो सकती? उनकी बेटियां भी तो आके टनाटन ही होगी ना, वो ऐसा अगर बोल रहे हैं तो। उनको हर किसी लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उनकी बेटी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। अपनी उम्र का 65वां सावन पार कर चुके सांसद डॉक्टर बंसीलाल महतो ने ऐसा बयान क्यों और किन हालातों में दिया? फिलहाल तो सरकार इसका परीक्षण करा रही है, लेकिन उनके इस बयान से तमाम महिला संगठन और लड़कियां भड़की हुई हैं। फिलहाल राज्य के खेल मंत्री रजवाड़े ने उनकी इस टिप्पणी पर अपना कोई जवाब अभी नहीं दिया है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील रामदेव, रायपुर आज तक। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।